हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप गूगल मैप पर अपना एग्जाम सेंटर देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी नहीं जानते हैं कि भाई अपना एग्जाम सेंटर कैसे देखते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना एग्जाम सेंटर देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी नहीं जानते हैं अपने जो एग्जाम सेंटर कहाँ पर आया है और इसे कैसे देखते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो मेरा एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर आया है, तो आप सही रास्ते से जा पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो गाइज़, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल मैप पर खुद के मोबाइल से आप अपना एग्जाम सेंटर देख पाएंगे। तो चलिए गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल मैप ओपन करना है। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि अगर आप भी अपना एग्जाम सेंटर देखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, गूगल मैप को ओपन करना है, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों, क्योंकि आप जानते नहीं हैं, अदर सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर आ जाता है तो फिर आपको पता नहीं चलता है दोस्तों। तो ऐसे में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कैसे देखेंगे, ये हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद, अब मान लीजिए आप यहाँ से कार में जाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर बाइक से जाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर ट्रेन से जाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ से पैदल जाना चाहते हैं। आपको पता ही होगा पैदल तो कोई भी नहीं जाता है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए ज़्यादातर टू व्हीलर से ही जाते हैं, तो हम यहाँ पर टू व्हीलर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर योर लोकेशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अब मान लीजिए मेरी जो लोकेशन है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, जयपुर, जयपुर, ठीक है। यह लिख कर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च कर देंगे। तो हम जैसे ही सर्च करेंगे, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्या, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, चूज़ ए डेस्टिनेशन पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको जाना कहाँ पर है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर आया है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि उदयपुर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, उदयपुर, उदयपुर लिख कर हम सर्च कर देंगे। मैंने तो आपको बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपके एडमिट कार्ड में जो भी सेंटर आया है वो सेंटर अगर आप यहाँ पर डालेंगे ना, तो फिर आपको उसका पूरा डिटेल बताएगा दोस्तों। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, और अब आपको पूरा डिटेल से बताएगा ये मैप कि आपको जाना कहाँ है और किस रास्ते से जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप इस जो नीले कलर का लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर ही आपको चलना है, और ये जो रास्ता जा रहा है ये बिल्कुल उदयपुर जा रहा है, जयपुर से। तो दोस्तों, आपको इस रास्ते को ही छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इस रास्ते पर आपको चलना है, फिर आपको इसमें किसी से भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उदयपुर पहुंच जाएंगे। तो गाइज़, इस तरह से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। तो गाइज़, मैंने तो आपको ये वीडियो सिर्फ बताने के लिए बनाई थी। अगर आप सच में अपना एग्ज़ाम सेंटर देखना चाहते हैं, तो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में जो भी पता दिया हुआ होता है वही आपको यहाँ पर डालना है, और इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर पता कर सकते हैं। तो गाइज़, आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को करें लाइक, और कमेंट में अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।